हेलो नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। मित्रों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में बहुत भोले बाबा की कृपा से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के दैनिक राशि फल के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, किस प्रकार से रहेगा, जो आपके जीवन में विशेष सफलतादायक रहेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन के योग बनेंगे, और आपके व्यापार व्यवसाय और करियर लव लाइफ एवं स्वास्थ्य में किस प्रकार से रहने वाले हैं, और आपके दैनिक दिनचर्या में किस प्रकार से परिवर्तन के योग बनेंगे, और अपने जीवन में किस प्रकार से रंग भरने वाले हैं, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपके लिए शुभ और बेहतर हो सकते हैं, किस प्रकार से आपके जीवन में तमाम दुख तकलीफें सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। आज आपको बताएंगे कौन से महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकताएं हो सकेंगे, जो आज का दिन अनुकूल बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होंगे, आपके लिए किस प्रकार नए नए परियोजनाओं गठित करेंगे। तो आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी माता बहनें सभी भाई बहनों के बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और अपने आने वाले दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसा परिवर्तन कर सकें जो काफी लाभकारी होंगे और शुभ होंगे। तो मित्रों, आपकी चलिए आज बात करते हैं राशि में किस प्रकार से परिवर्तन बनेंगे। बुजुर्गों की सलाह व अनुभव का लाभ अवश्य उठाएं। आज आप जो भी कार्य करेंगे उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग अपने होमवर्क समय पर पूरा कर लेंगे तो बेहद रोचिले और शुभ होंगे, जीवन में विशेष सफलता प्राप्त कर सकेंगे। राजकीय कार्यों में सफलता मिलेंगे, नई योजनाएं तथा नए उपकरण के लिए समय अनुकूल है। बच्चों किसी समस्याओं को जो समझाने में आपका महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। घर परिवार तथा रिश्तेदारों में आपका वर्चस्व कायम रहेगा। किसी मत धार्मिक आयोजन में शामिल होने का भी आपको अवसर भी मिल सकते हैं। धन की प्राप्ति के कार्यों में कुछ रुकावटें आने वाली है, आपके द्वारा कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे आपके निंदा आलोचना होंगे, इसलिए सावधान रहें। किसी घनिष्ठ मित्र या परिजन के साथ कोई नकारात्मक घटना घटित होने के आपको दुख के अनुभूति होंगे। कोर्ट केस संबंधित मामला जो पिछले काफी समय से रुका हुआ था, आज उसे कुछ सकारात्मक रिजल्ट भी मिल सकते हैं। बेरोजगार को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। ऋण संबंधित कोई समस्या आपके सामने आ सकती है, आप अपना काम निकलवाने के लिए कई हथकंडे अपनाने होंगे जो कि बेहतर होगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरताएं की स्थिति रहेंगी। घर में किसी मूल्यवान वस्तु के खरीदारी भी जो है संभव रहेंगे। घर के बूढ़े बुजुर्गों का अपने पोते पोतियों व बच्चों के लिए कुछ बीच खुशी का अनुभव कर सकेंगे। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इस समय अपने खान पान और दिनचर्या को अत्यधिक व्यवस्थान रखना भी आवश्यक होंगे और शुभ होंगे। आप जीवन में जो है विशेष सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आज दिन है जो रोचक में बहुत ही उपन्यास में बेहतर होगा। दिन की शुरुआत वाली हुई बहुत ही उत्तम रहेंगे। परिवार तथा काम के दायित्व खूब निभाएंगे और स्त्री वर्ग खास तौर पर आज कुछ विशेष कार्य को पूरा करने में व्यस्त रह सकते हैं। इस समय उद्योग तथा धार्मिक गतिविधियों के प्रति आपका जो है रुझान बढ़ेगा। किसी सहकर्मी या रिश्तेदारों से कोई कहा सुनी होने की वजह से मूड खराब रह सकता है। निवेश संबंधित गतिविधियों में आपका रुझान जो है बढ़ने वाला है, परंतु पहले किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ विचार विमर्श जो है अवश्य करवा लें। बच्चों की किसी बात से मन जो है जरा सा दुखी रह सकता है। फाइनेंस और शेयर सट्टा और बीमा आदि से संबंधित कार्यों में जो व्यवस्थियों को अपने कार्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकताएं पड़ सकती हैं, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत ही बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है। ऑफिस में पिछले कुछ समय से चल रहे प्रयासों में सफलता की प्राप्ति होंगे। जीवन साथी के साथ मधुर जो है संबंध रह सकते हैं। परिवार
परिवार के साथ शांतिपूर्ण तथा सुखद ढंग से व्यापार व समय व्यतीत करूंगा। प्रेम और सौंदर्य वातावरण का बना रहेगा क्योंकि काफी लाभकारी और शुभ हो सकेंगे। दोपहर बाद जो है आप कुछ अनावश्यक और असहज महसूस कर सकते हैं। वाहन जो है आप सावधानी पूर्वक चलाएं व समय रहते उसकी जाँच भी करवा लें तो बेहतर होगा। आप जीवन में जो है विशेष सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। भाग्यशाली रंग जो रहेगा पीला रहेगा। भाग्यशाली अंक जो रहेगा 3 रहेगा। आपके घरों में शुभ कार्य हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा, जय मां।